हाँ हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो सेकंड पार्ट है जो हमने बच्चों के ऊपर, बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर एक सीरीज शुरू की है, उसमें ये सेकंड टॉपिक है। यदि आप टीचर हो, यदि आप पेरेंट्स हो, जो आपके बच्चे हैं, ग्रोइंग अप बच्चे हैं, अपने जैसा ही ट्रीट करना है। मैंने ये सुना है ज़िंदगी में, यदि बच्चे के दिमाग में आपका बड़े होने का एहसास आएगा तो बच्चे को सीखने में कोई ना कोई प्रॉब्लम। यदि आप बच्चों को अपना दोस्त बना के अपने उस लेवल पे जाके यदि आप कोई बात कहोगे तो बच्चों को बहुत जल्द समझ आ जाएगी। तो आपने ये करना है कि यदि आप बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो बच्चों को, या किसी और गेम में ट्रेंड कर रहे हो, तो आपने पहले अपना लेवल नीचे लाना है। ये मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा कि ज़िंदगी में मैंने करके देखा हुआ है। वही समझदार है जो बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, जवान के साथ जवान हो जाए और बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग हो जाए। यदि आप में ये क्वालिटी आ जाए और इस क्वालिटी को अच्छे तरीके से आप डेवलप कर लोगे तो आपके बच्चों के प्रति जो रवैया है आपका और बच्चों के रिजल्ट तो बेस्ट आएंगे ही आएंगे। ये इस तरीके की मेरी तकरीबन 12 या 13 वीडियोज़ आएंगी, तो उसमें अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना। हाँ दोस्तों, हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जो दोस्त अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता वो मेरे को YouTube पे फॉलो मत करे, मेरे को Facebook पे फॉलो मत करे, मेरे को सब्सक्राइब मत करे। जो आदमी सीखना नहीं चाहता, जो आदमी सेटिस्फाइड है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काले रंग पर कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। जो घड़ा पहले ही भरा हुआ है उसमें पानी और नहीं डाला जा सकता। सो दोस्तों, जो आदमी सेटिस्फाइड है वो अपनी घर पे रहें, आराम करें, खूब आराम करें, एसी में बैठें या जहां उनको सेटिस्फेक्शन है, जहां उनका कंफर्ट जोन है उसी में रहें। मेरे साथ चलने का मतलब है आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ के देखो, फिर अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखना। सो दोस्तों, अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके साथ।